कोरबा नव पदस्थ निगम आयुक्त का विपक्षी पार्षदों ने किया स्वागत। निगम क्षेत्र के रुके विकास कार्यों को पुनः बहाल करने की पार्षदों ने की मांग। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका निगम कोरबा के आयुक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल देव की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एस जयवर्धन की पद स्थापना की गई है। उन्होंने 28 मई को साकेत भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। नव पदस्थ आयुक्त के पदभार ग्रहण पर आज विपक्षी नेताओं ने नेता प्रतिपद नित्यानंद अग्रवाल की अगुवाई में निगमायुक्त एस जयवर्धन का पुष्पगुच्छा भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने पिछले 4 से 5 महीने से रुके हुए विकास कार्यों को पुनः गति प्रदान करने की मांग की। भाजपा के हैं नए आयुक्त साहब जो निगम में आए हैं उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि पूरे वार्डों में आज तक जो समस्या जस का तस वैसे ही पड़ा हुआ है। तो हमारे इस नए आयुक्त साहब से यही निवेदन है कि हम सब पार्षदों की दुखिया की दुख को सुने और हर वार्ड में अच्छे से काम करें, ताकि जो लोग हमको जिताए हैं उनके लिए हम खड़ा उतरे और वार्ड के काम करा सकें। नौ पदस्थ आयुक्त महोदय जयवर्धन जी से हमारी औपचारिक मुलाकात हुई, उसमें हमने कुछ विकट और गहन समस्याओं को सभी पार्षदों ने रखा। मैंने एक मुद्दा उनके सामने एक समस्या रखा सारे पार्षदों की ओर से, नगर निगम क्षेत्र की ओर से फोर लेन सड़क का निर्माण हो रहा है मेजर ध्यानचंद से अप्पू गार्डन तक, लगभग 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति है इस कार्य के लिए। काम इतना थर्ड क्लास हो रहा है, इतना विलंब से हो रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। मेरे वार्ड से गुजर कर जा रही है वो रोड। मैंने आग्रह किया उनको कि आप इसकी सतत निगरानी करवाइए, कार्य को जल्दी करवाइए और उसमें गुणवत्ता हुआ जांच करवाइए, क्योंकि सारे लोगों का कोरबा के जनमानस का शिकायत है कि थर्ड क्लास काम हो रहा है। उसमें जो प्रभारी अधिकारी है और जितने भी उसके इंचार्ज हैं उस रोड के, सारे को टाइट करना और जांच करके उनको अच्छे से कार्य करवाने के लिए हमने आयुक्त महोदय से अनुरोध किया। क्या बातें रही, बातें क्या रखी? सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे नगर निगम में नए आयुक्त महोदय ने पदभार ग्रहण किया और जयवर्धन साहब चूँकि कोरबा से पहले से परिचित हैं, हम सब 31 विपक्षी पार्षद यहाँ आके उनका स्वागत किए और अभिनंदन किए। और सभी लोगों का आग्रह यही था कि कोरबा क्षेत्र के विकास में वह नीम के पत्थर साबित हो। अभी विगत 3 महीने से कोरोना के कारण विकास रुका हुआ था, उसके पूर्व आचार संहिता के कारण विकास रुका हुआ था। सभी वार्ड के पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या के कम से कम 10-10 प्रस्ताव बना के नगर निगम में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। सभी पार्षदों की इच्छा थी कि जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं वह काम जल्दी से जल्द चालू हो। जो मूलभूत चीज़ें हैं, पानी की समस्या, करोड़ों रुपए की जल नल योजना में केंद्र सरकार ने पैसा लगाया है यहाँ पे, लेकिन उसका 100% फायदा क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रीट लाइट खराब है और नई स्ट्रीट लाइट नहीं लग पा रही है, जिसके कारण अभी बरसात आने वाला है उसमें जानवरों का भय बना हुआ है। जहाँ पे बरसात में ड्रेनेज पानी लो लाइन एरिया में पानी भरता है, ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर अभी बरसात के पूर्व हो जाए। इस प्रकार की कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, रोड नाली की समस्या लगभग हर वार्ड में है, तो सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की 2-2-3 दिन प्रमुख समस्याओं को भी पुनः लिख के लाए और आयुक्त महोदय को यहाँ पे दिए